वेलकम बैक टू मिशन डी ट्रिपल एस बी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है आशु मेहता। पार्ट नंबर 10 को लेकर आ गया हूँ मैं आईसीटी के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट को। हम बात कर रहे थे 2017 के आईपीएस के क्लर्क के पेपर के बारे में। 21 क्वेश्चन पहले मैंने लास्ट वीडियो जो लेक्चर 9 है उसमें करवा दिए थे अपलोड। ये है लेक्चर नंबर 10 और आपको अगर प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। निम्न में से कौन सुव्यवस्थित रूप से संचित अंत स्थापित इंटररिलेटेड डाटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह कलेक्शन मतलब कलेक्शन है जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। मेन बात यही है कि मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। डाटाबेस फोल्डर फाइल या डाटा माइनिंग। तो देखिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो फिर अगर आपको आता है तो आप सोच लीजिए अपना आंसर और कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है हमारे पास है डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है इसका कलेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं डाटाबेस। ईमेल सेंड करने या वेब पेजों को क्रिएट करने की वह प्रक्रिया है जिसे किसी व्यक्ति के ऑनलाइन बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड या अन्य लोग लॉगिन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है, जो भी है, फिशिंग, हैकिंग, स्पैम या क्रैकिंग। तो उसको हम बोलते हैं फिशिंग। निम्नलिखित में से कौन यूएसबी की एक प्रमुख विशेषता है? यूएसबी जो हम लगाते हैं ना लैपटॉप के अंदर, जैसे कि कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, आश्रित प्लेटफॉर्म है या आश्रित सोर्स है या आश्रित सॉफ्टवेयर है। तो यूएसबी जो होता है स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है एक। क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टम की घड़ी क्लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह टूल बार की प्रॉपर्टी है। सिस्टम समय समय पर टाइम सोर्स के साथ साथ टाइम को रिफ्रेश करता है। ठीक है, और क्या है, सिस्टम का टाइम वर्तमान तारीख और समय दर्शाता है। सिस्टम टाइम को नियंत्रित करता है जिससे आपका एप्लीकेशन सही समय टाइम को एक्सेस कर सकता है। तो ये मेन क्या है, आपका एक टूल बार है, टूल बार की प्रॉपर्टी है क्लॉक। निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध एक टेक्स्ट अलाइनमेंट है जो दाएं पार्श्व राइट मार्जिन को किसी प्रकार नियंत्रित करते हुए बाएं मतलब लेफ्ट मार्जिन को समायोजित करता है? वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन दिया होता है। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर, लेफ्ट जस्टिफाई या ओरिएंटेशन। तो ये मेन क्या है, लेफ्ट जस्टिफाई इसे हम बोलते हैं। आरटीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आरटीएफ का पूर्ण रूप है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आरटीएफ का है पूर्ण रूप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर सेट जापानी और चाइनीज फ़ॉन्ट को सपोर्ट करता है? चाइनीज़ फ़ॉन्ट को कौन सपोर्ट करता है? देखिए चार आपके सामने ऑप्शन है, EBC DIC ASCII BC और यूनिकोड। तो इसका जो आंसर हमारे पास है यूनिकोड। निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड ईमेल एड्रेस है? देखिए ईमेल एड्रेस में क्या होता है, ये चार ईमेल एड्रेस आपके सामने दिए हुए हैं। तो @ जैसे gmail.com हम लिखते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ना 29 का डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। @ वेबसाइट जीमेल मतलब जीमेल है या रेडिफ मेल है जो भी आपकी .com। उसके बाद ईमेल से संभवतः क्या हानि हो सकती है? भौतिक रूप से यूजर्स को ईमेल डिलीवर्ड करने की आवश्यकता होती है। ईमेल कंप्यूटर को प्रभावित करता है। ईमेल भेजना बहुत महंगा है। ईमेल के लोड होने की गति स्लो होती है। तो ईमेल जो मेन है ना, ईमेल कंप्यूटर को देखिए दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, क्या हानि हो सकती है? भौतिक रूप से यूजर्स को ईमेल डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है, ये कोई मतलब नहीं है। ईमेल भौतिक रूप से ऐसा तो नहीं है, ईमेल पे हमने जो लिख के भेज दिया उसके बाद हमें वो फाइल बना करके हार्ड कॉपी भेजनी होगी। ईमेल कंप्यूटर को प्रभावित करता है। ईमेल भेजना बहुत महंगा है, बिल्कुल सस्ता है ये तो नहीं है। ईमेल के लोड होने की गति स्लो है, ऐसा नहीं है, ईमेल तो बहुत जल्दी जाता है। तो एक हानि ये वाली हो सकती है कि ईमेल कंप्यूटर को प्रभावित करता है। ईमेल के थ्रू कुछ स्पैम वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ आ सकता है कि इंटरनेट से ना आपके
जैसे वायरस वगैरह आ गए तो वो प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम समर्पित डेडिकेटेड पर्सनल कंप्यूटर पीसीएस का एक वर्ग है? सिंगल यूजर के लिए प्रयुक्त होने वाला सिस्टम, सिंगल टास्क के लिए प्रयुक्त होने वाला, सिंगल सॉफ्टवेयर के लिए, केवल एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है हमारे पास, सिंगल टास्क के लिए प्रयुक्त होने वाला सिस्टम। ठीक है, सिंगल टास्क के लिए प्रयुक्त होने वाला जो सिस्टम है उसे हम पीसीएस बोलते हैं। डैश का प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या वहाँ किया जाता है जहाँ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। स्थानांतरित की जाने वाली फाइलों को एक अवधि के दौरान एकत्रित किया जाता है और तत्पश्चात बैच के रूप में एक साथ सेंड कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग या डाटा प्रोसेसिंग। तो 4 से 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि समय प्रतिवलित सॉफ्टवेयर है, जो कि समय रेप्लिकेट होता है तथा फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है? वायरस, बूट्स, ट्रोजन या वर्म्स। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है हमारे पास है वायरस। निम्नलिखित में से कौन यूजर नेम के साथ संख्याओं, नंबर्स और वर्णमाला अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसका प्रयोग यूजर अकाउंट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है? पासवर्ड, टाइटल नेम, यूजर नेम या होस्ट आईडी। तो आप देखेंगे, उसके बाद मैं आंसर इसका बताऊंगा। इसका आंसर है हमारे पास पासवर्ड। डैश को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? वोलेटाइल डाटा, परमानेंट डाटा, नॉन वोलेटाइल या टेम्परेरी डाटा। देखिए, हार्ड ड्राइव का जो हम प्रयोग करते हैं उसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं, तो वो एक परमानेंट डाटा स्टोरेज है। कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर स्टोरेज से किसी फाइल को हमने एक्सेस करना है, हमारे कोई सॉन्ग की फाइल पड़ी हुई है या वीडियो फाइल पड़ी हुई या कोई और पीडीएफ फाइल पड़ी हुई, उसको एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इंसर्ट का, फाइल का, रिट्रीव का, फाइंड का। तो देखिए, इसका आंसर है हमारे पास फाइंड। ठीक है, हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है? कीबोर्ड में विद्यमान अनेक कुंजियाँ, वीडियो ग्राफिक्स, वर्ड की मेमोरी, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड या प्रोसेसर में उपलब्ध अनेकों कोर। देखिए, इसका आंसर जो हमारे पास है, कीबोर्ड में विद्यमान अनेक जो कुंजियाँ की है कंप्यूटर के कार्य के लिए वो तो विद्यमान नहीं है। तो ठीक है, कीबोर्ड हटा भी देंगे तब भी कंप्यूटर तो प्रोसेस करता है, वो चलता रहता है। ऑफिस से बाहर जाते समय आप अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? कोई आपकी फाइल, पासवर्ड इत्यादि की चोरी कर सकता है। विद्युत की बचत के लिए, निष्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु लॉग ऑफ करना जरूरी है। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। तो आपको मैं दे रहा हूँ 4 से 5 सेकेंड। देखिए, हम क्या करते हैं, कई बार लॉग ऑफ कर देते हैं, हम शट डाउन नहीं करते, लॉग ऑफ कर देते हैं। तो कोई फाइल जो पासवर्ड या कुछ भी ऐसा हमने खोला हुआ है, तो क्या होता है, लॉग ऑफ करने से ना पासवर्ड दोबारा से लग जाता है। ठीक है, तो पासवर्ड वगैरह की चोरी नहीं होती और जब भी कोई कंप्यूटर खोलेगा तो पासवर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है, और हम जब उसको खोलेंगे तो पासवर्ड से डायरेक्टली हम खोल पाएंगे, हमें समय की भी बचत होती है। VOIP का विस्तारित रूप क्या है? देखिए, VOIP का विस्तारित रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है, कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है इनक्रिप्शन, स्क्रैम्बलिंग, फायरवॉलिंग या डिक्रिप्शन। इसका हमारे पास आंसर है इनक्रिप्शन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करवाते रहेंगे। आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का पार्ट आता है तो वो आप देख सकते हैं, सारी की सारी प्लेलिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर पेपरों में जो पूछे गए हैं बार बार। ऐसे ही हम और भी अच्छे अच्छे कोर्स बना रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मिशन DSSSP यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम स्टडी रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियो सेक्शन में आप जाके देख लीजिए। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग लेवल एग्जाम, चाहे कोई SSC का एग्जाम है, उसमें आपकी ICT या कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक आते होंगे, तो यहाँ आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
और अगर आप चंडीगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ हमने मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ चंडीगढ़ की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ उसको। और जनरल अवेयरनेस की अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं तो यहाँ भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ वीडियो और अपलोड कर दूंगा तो यहाँ भी आ जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, यहाँ जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी अपडेट मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की ये प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन हो मैंने सारे लेटेस्ट क्वेश्चनों को ऐड करके ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और मिशन डिटेल प्लस बी का ऑनलाइन स्टोर से आप स्टडी मटेरियल लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह आप ले सकते हैं, यहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे के सारे पीडीएफ फाइल में आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे।